गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं फिर से ब्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि उस दिन आग लगने की वजह से बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कि ब्लॉगिंग करूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ और आज मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ मायका। गाइस, बहुत दिनों के बाद मायके जा रही हूँ फिर से, क्योंकि वहाँ पे मेरी जो कज़न ब्रदर है उनका शादी है और हम सबको इन्वाइट किया गया है। मैं आज मेरे हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। कल है हल्दी और परसों है शादी, तो सब कुछ सेलिब्रेट करके हम लोग आ जाएंगे वापस। और वापस आने के बाद हमारा और भी एक बड़ा ट्रिप है, ये बात मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊँगी, वो मैं बाद में बताऊँगी आप लोगों को। चलिए गाइस, हमारा लगेज वगैरह तैयार है, अभी हम लोग निकलने वाले हैं। और अभी बज रहा है शाम के 3, पता नहीं पहुँचते पहुँचते शायद 6 बज जाए। चलिए। ये गाइस, हमारा लगेज तैयार है, अभी चल रहे हैं गाड़ी पे। गाइस, हम लोग गाड़ी पे बैठ गए हैं, अभी बस पहुंचने की देरी है। और मेरे साथ मेरी मौसी है, अवनीश है, और यहाँ पे देखिए हाय। सभी लोग जा रहे हैं, मासी को छोड़कर सभी लोग जा रहे हैं शादी पे, और मासी जा रही है अपने बेटी के घर। एक साथ हम लोग जा रहे हैं गाइस। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है, आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। गाइस, हम लोग करीमगंज तक आ गए हैं, अभी और 8 किलोमीटर बाकी है मायके पहुंचने में। और हर बार की तरह इस बार भी मिठाई लिया गया है, अभी मिठाई ले लिया है हमने और अभी चलते हैं घर। और यहाँ पे अपनी सो रहा है। गाइस, हम लोग आ गए हैं, क्योंकि 3 बजे निकले थे और अभी बज रहा है शाम के 5, ऑलमोस्ट शाम ढलने वाला है। हम लोग आ गए हैं मायके, और यहाँ पे गाइस शादी का प्रिपरेशन चल रहा है। देखिए पेंडल पेंडल वगैरह बन रहा है, और ये देखिए पेंडल हो गया है। हाय गाइस, कल रात को हम लोग आ गए थे मायके, और यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, क्योंकि शादी वाला माहौल था, उस वजह से मैं उनके साथ सबके साथ बिजी हो गई थी और आप लोगों से बात भी नहीं हो पाया। आज है पानेरखिली, सभी मंदिर में आज 5 सुपारी ले जाकर चढ़ाएंगे और पूजा करेंगे, क्योंकि शादी के पहले ये रिवाज है कि सभी मंदिर में जाकर 5 सुपारी चढ़ाते हैं। वही अभी चल रहा है,